आज हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के। पहला प्रॉब्लम जो है वो पढ़ लेना है, आपकी स्क्रीन पर है। मिस्टर वाई वाज स्पॉन्सर्ड बाय हिज कंपनी इन इंडिया फॉर ट्रेनिंग इन यूएसए। ही लेफ्ट इंडिया ऑन 3 जून 2018 एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 5 अप्रैल 2019. What is his residential status for assessment year 2019-20, assuming that he did not go out of India previously? Okay, इस तरीके का ये सम है और हमें assessment year 1920 के लिए उसका मिस्टर वाई का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैलकुलेट करना है। ओके, सो ये कोई भी जो रेसिडेंशियल स्टेटस के जो भी सम हो गए वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं, सबसे पहले आपको जो लिखना है वो ये पता करना है कि असेसमेंट ईयर कौन सा है। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर कौन सा है, 2019-20। ओके, ये क्या है, असेसमेंट ईयर है। इस असेसमेंट ईयर के लिए हमें क्या करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2018-19। ओके, ये प्रीवियस ईयर होगा, मतलब 2018-19 में मिस्टर वाई का कितना स्टे था इंडिया में ये हम जानेंगे। ओके, अब देखिए मिस्टर वाई जो थे वो 2018 में इंडिया छोड़ के कब गए, कोई बता पाएगा कब गए? 3 जून। 3 जून को गए और वापस कब आए? 5 अप्रैल। ओके, जब वो वापस आए 5 अप्रैल को वापस आए, तब 18-19 का जो साल था वो तो खत्म हो चुका था, 31 मार्च को ही खत्म हो जाता है ना साल, तो हमारा कब खत्म हो गया था, 31 मार्च 2019 को खत्म हो गया था। मतलब मिस्टर वाई जो थे वो 3 जून को जो गए बाहर इंडिया के, तो साल खत्म हुआ 31 मार्च 2019, तब तक बाहर ही थे, समझा? तब तक वो क्या थे, बाहर ही थे, इंडिया में आए नहीं थे। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो अब ये अच्छा, हमारा साल शुरू कब हुआ था, 2018-19 का साल शुरू कब हुआ था? अप्रैल। तो अप्रैल, ओके, अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल के 30 डेज? 30। हाँ, 30 होते हैं, लेकिन 3 तारीख को वो गया था, तो हम तीन दिन कम कर लेंगे इसमें से। ओके, हम क्या करेंगे, 3 दिन कम कर लेंगे, अप्रैल के 3 जून है, लेकिन एक मिनट, अप्रैल के 30 डेज होते हैं, ठीक है। मई के कितने दिन होते हैं, 31। और जून में कितने दिन रहा वो इंडिया में, 3 दिन। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, 3 दिन 27। तो कितने दिन रहा टोटल मिस्टर वाई, कितने दिन रहे टोटल? 64 डेज। ओके, 64 डेज रहे। अब एक बार हमें ये पता चल गया कि मिस्टर वाई जो थे वो प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहे थे, 64 डेज रहे थे। अब सबसे पहले बेसिक कंडीशन अप्लाई करो यहाँ पे। ओके, बेसिक कंडीशन में भी सबसे पहले कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे आप, बेसिक कंडीशन नंबर वन। बेसिक कंडीशन नंबर वन क्या कहती है, कि आप कितने दिन होने चाहिए इंडिया में, आपका कितना स्टे होना चाहिए, 182 डेज और मोर। तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नो सर, नहीं हो रहा, क्योंकि हम कितना, हम कितना दिन रुके हैं, 64 डेज। कितना रुकना था पहली कंडीशन के लिए, 182 डेज। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है, 60 प्लस
365, ओके 60 प्रीवियस ईयर में और 365 फोर ईयर्स में, पिछले चार सालों में 365, ओके तो अब ये कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, तो yes. प्रीवियस ईयर में 60 डेज रुकने थे उसको, तो 64 डेज रुक रहा है, मतलब ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये कंडीशन का क्या, तो ये कंडीशन के लिए यहाँ पे उन्होंने अज्यूमिंग दिया, अज्यूमिंग दैट ही डिड नॉट गो आउट ऑफ इंडिया प्रीवियसली, पहले वो इंडिया छोड़ के ही नहीं गए, पहली बार इंडिया छोड़ के गया है, मतलब 1819 के पहले वो इंडिया में से बाहर ही नहीं गया, मतलब ऑटोमेटिकली पिछले चार सालों में वो अगर इंडिया में ही था तो ये 365 दिन का जो रूल है वो होने ही वाला है, मिलने ही वाला है, ओके तो यहाँ पे पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ओके और दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो बेसिक के क्या रूल है, बेसिक का रूल क्या है कि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे कि दोनों में से एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रेसिडेंस स्टेटस, करेक्ट, ही इज अ रेसिडेंट, ओके सो देयरफॉर मिस्टर वाई इज अ रेसिडेंट, मिस्टर वाई इज अ रेसिडेंट। इसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मेट नहीं होता, आपको आपके ओन लैंग्वेज में कौन वर्ड्स में ही लिखना होता है ऐसा कि भाई ये दो कंडीशंस है, आपको दो कंडीशंस पूरे लिखने होते हैं, 182 डेज और मोर, 60 डेज और मोर, और वो कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करके वो रेसिडेंट है या नहीं रेसिडेंट है ये पता करना होता है, ओके सो ये समझा आपको किस तरह सॉल्व किया हमने, किसी को कोई डाउट इस समय? No, sir. काफी इजी समझे रेसिडेंशियल स्टेटस के, अगर आपको डेट्स पता है तो काफी इजी समझे, कोई डिफिकल्ट समझ नहीं है। सेकंड सम देखते हैं, आज से प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग, 9 o'clock तक ही हमारा लेक्चर होगा। मिस्टर एक्स केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, अब ये थोड़ा उल्टा है देखो, मिस्टर एक्स जो थे वो इंडिया में पहली बार आए, कब आए, 1 November 2017 में, ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया अप टू 30 October 2018, ही स्टे एट बॉम्बे अप टू 10 May 2018 एंड देर आफ्टर रिमेन्ड इन बैंगलोर टिल हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, फाइंड हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19, ओके फाइंड हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19, उस तो भी गड़बड़ है इस सब में, एक मिनट, नहीं होगा ये, इसको थोड़ा सा सर ये असेसमेंट ईयर 2017 और 18 चाहिए था ना, नहीं 17-18 भी नहीं चाहिए, 2019-20 चाहिए, पहले जैसा था ना वैसा, ओके इट शुड बी 2019-20, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, असेसमेंट ईयर शुड बी 2019-20, नॉट 18-19, 17-18 भी नहीं होगा, 19-20, ओके तो ये एक चेंज रखना मेरे नोट्स में भी, मैं आपको चेंज करके दूंगा यहाँ पे, असेसमेंट ईयर जो है वो 2019-20 है और प्रीवियस ईयर जो है वो होगा 2018-19, मतलब 2018-19 में उनका स्टे हमको चेक करना है, किसका, मिस्टर एक्स का। अब मिस्टर एक्स के बारे में कुछ दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स जो थे वो इंडिया में पहली बार कब आए,
तो 1819 के भी पहले आए थे वो, 1718 में इंडिया आए थे देखो, 11 1st of November 2017। ओके, मतलब जब आपका 1819 शुरू हुआ, जब प्रीवियस ईयर शुरू हुआ 1st April 2018 को वो इंडिया में थे। ओके, 1st April 2018 से कब तक वो इंडिया में थे? इंडिया में कब तक थे? 30th October। करेक्ट, 30 अक्टूबर। अब ये जो उसके आगे के फिगर्स दिए ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए कि मई तक मुंबई में थे, उसके बाद बेंगलोर में थे, ये सब जो है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो ये वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ो, कल हमने डिस्कस किया था, स्टे कैन बी इन एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया में स्टे कहीं पे भी हो सकता है, वो मुंबई में रुके, बेंगलोर में रुके, दिल्ली में रुके, या किसी और जगह पे जाके रुके, कोई फर्क नहीं गिरेगा उसका, जब तक वो इंडिया में है तब तक वो पूरा स्टे उनका हम इंडिया में ही गिनेंगे। ओके, तो वो जो ये जो आखिरी की दो लाइंस है ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए कि भाई मई में वो मुंबई में था, फिर वो बेंगलोर में गया, उसका कोई मतलब नहीं है, वो इंडिया में थे। कब तक थे इंडिया में? 30 अक्टूबर 2018 तक इंडिया में थे। तो ये जो पीरियड था पिछले साल का 1819 का, ये जो पीरियड था, इस पीरियड में वो क्या थे? इंडिया में थे। ओके, तो ये कितना, कितने दिन का होता है ये पीरियड? देखो अप्रैल का 30 डेज, मई के 31 डेज, जून के 30 डेज, जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, सितंबर के 30 डेज और अक्टूबर के 30 डेज। ओके, करो तो कैलकुलेशन कितना आता है? थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी प्लस 213 दिन। ओके, टोटल स्टे कितना रहा है उनका? 213 दिन का। ओके, तो अभी बेसिक कंडीशन नंबर वन क्या कहता है कि आपका स्टे कितना होना चाहिए? 182 डेज और 182। ओके, 182 डेज और मोर आपका स्टे होना चाहिए। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर, हो रहा है। ओके, तो दूसरा कंडीशन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, हो रहा है। हाँ, पहला ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो सेकंड कंडीशन की और सेकंड कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं होती। ओके, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है तो उसको हम यहाँ पे रेसिडेंट कहेंगे। ओके, अगर ये नॉन रेसिडेंट रहता था, अब देखो जानबूझ के पिछला जो सम था उसमें हमने उसके आगे डिस्कशन नहीं किया क्योंकि पहला ही सम था, इस सम में थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करेंगे। अब ये रेसिडेंट है तो सम खत्म हो जाता है क्या यहाँ पे? अगर ये नॉन रेसिडेंट था तो सम खत्म हो जाता था, लेकिन अगर ये रेसिडेंट है तो आगे हमको ये जानना जरूरी है कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ओके, तो ये कैसे पता चलेगा? तो आप एडिशनल कंडीशन लगाओगे। ओके, यहाँ पे आप क्या लगाओगे? एडिशनल कंडीशन लगाओगे। एडिशनल हेलो हेलो आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, तो यहाँ पे वो रेसिडेंट है ये तो पता चल गया हमें, अब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, ये पता करते हैं। तो एडिशनल कंडीशन नंबर वन देखते हैं पहले। तो एडिशनल कंडीशन नंबर वन क्या कहता है? कि ही शुड हैव बीन रेसिडेंट इन 2 out of 10 years प्रीवियस ईयर। कौन से ईयर्स? लेकिन प्रीवियस ईयर के पहले के
दस में से दो साल, ओके, प्रीवियस ईयर के पहले के दस में से दो सालों में उसने क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, ओके. तो प्रीवियस ईयर कौन सा है यहाँ पे अपना, 18-19, ओके. प्रीवियस ईयर कौन सा है, 18-19. उसके 18-19 के पहले के 10 साल कौन से होंगे, 2017-18 के पहले के दो 10 साल, मतलब 2007-08 से लेके तो 2017-18 तक, ये जो 10 साल है, ये जो 10 साल है इसमें उसका, इसमें से कोई भी दो सालों में ही शुड हैव बीन व्हाट, ही शुड हैव बीन रेसिडेंट. ओके, तो मिस्टर वाई जो है वो उसका सम देखते हैं एक बार. मिस्टर वाई इंडिया में पहली बार, देखो यहाँ पे वर्डिंग, इनकम टैक्स के सम्स में हमेशा वर्डिंग पे ज्यादा ध्यान देना है. पहली बार इंडिया में आए, मतलब उसके पहले वो इंडिया में आए ही नहीं थे, उसके 10 साल हो, 15 साल हो, 50 साल हो, पहली बार वो इंडिया में कब आए, नवंबर 2017, ओके. और नवंबर 2017 मतलब ये जो साल था, ये 17-18, उसमें नवंबर में आए, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च कितना रहे हैं वो, ही हैज स्टेड फॉर 5 मंथ्स, 6 महीना भी नहीं रुके हो, कितना महीना रुके, 5 मंथ गिन लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितना होता है, 5 मंथ्स. तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करी थी क्या उन्होंने, नवंबर में आए थे तो वो कितना रुके थे, 5 मंथ्स रुके थे 17-18 में. तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करी थी क्या उन्होंने 17-18 में, फाइव मंथ मतलब कितने दिन होते हैं, 150 डेज, 5 मंथ मतलब होता है 150 डेज, रफली 30 × 5 मतलब 150 दिन होते हैं. कंडीशन क्या है, 182 दिन होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट 6 महीने उन्होंने इंडिया में रहना चाहिए था 17-18 में, तब 17-18 में उनको हम रेसिडेंट बोलते थे. और फिर भी अगर वो रेसिडेंट बनते भी थे तो भी एक ही साल के लिए वो रेसिडेंट बनते थे, ये जो 17-18 के लिए रेसिडेंट बनते थे, 16-17 और 15-16 उसके पहले के जो साल थे उसमें तो वो इंडिया में आए ही नहीं थे. आए थे क्या इंडिया में, आए ही नहीं थे. तो यहाँ पे ना पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ना जो दूसरा कंडीशन है 730 डेज वाला, वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा. दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे. क्यों, क्योंकि मिस्टर वाई जो है वो पहली बार इंडिया में एक साल पहले आए थे, उसके पहले वो इंडिया में आए ही नहीं है. तो यहाँ पे वो रेसिडेंट तो कहलाए जाएंगे, उनको हम रेसिडेंट तो कहेंगे, ओके, ही विल बी अ रेसिडेंट. बट जब ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है. बिल्कुल लॉजिकली जाना है, बहुत ही सिंपल टाइप के सम्स है. अब इसी लॉजिक को आप यूज करके जो पहला सम था अपना, जो हमने आधा छोड़ दिया था, ओके, वो पहले सम का आपने मुझे सॉल्व करके बताना है. मैं आज की अटेंडेंस आपको तब तक प्रोवाइड करता हूं. अटेंडेंस मैंने दी है सभी को ग्रुप में, अटेंडेंस भी लगानी है अपनी. और फर्स्ट सम में वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है ये मुझे बताना है. अगर मीटिंग का टाइम खत्म हो जाता है तो फिर से ज्वाइन करना है. जो 9 बजे तक का टाइम है, 9 बजे तक मैं टैक्स पढ़ाने वाला हूँ आज, तो फिर से कंटिन्यू करेंगे हम अगर मीटिंग खत्म होता है तो.
सर है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। करेक्ट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। कहाँ से पता चलता है ये आपको, कैसे किया इसका कैलकुलेशन आपने? क्वेश्चन में लिखा है कि उसने वो पहली बार गया है मतलब छोड़कर। बराबर, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसके पहले वो वो अप्लाई हो जाता है। करेक्ट, तो अगर वो इंडिया छोड़ के गया ही नहीं है इसके पहले, तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकालो आप, या पिछले 15 साल का रिकॉर्ड निकालो, या जब से वो बॉर्न हुआ है तब से अभी तक का आप कोई भी रिकॉर्ड निकालो, तो आपको वो जो पर्सन होगा वो हमेशा क्या दिखेगा, ही विल बी अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा से वो इंडिया में ही रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम उसको क्या कहेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये लाइन ही आपको बता देती है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। अगर वो इंडिया छोड़कर गया ही नहीं है बाहर, तो ही विल बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एडिशनल रूल्स वगैरह अप्लाई करने हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको सम पढ़ के समझ में आता है कि वो क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब एक सम मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, अगला सम जो है वो आपको खुद सॉल्व करना है। मिस्टर एक्स आफ्टर 25 years ऑफ स्टे इन इंडिया retires टू UK, मतलब इंडिया में वो 25 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद रिटायर करके कहाँ चले गए, लंदन चले गए, UK। ओके, 3 फरवरी 2017 को उन्होंने रिटायर होके वो UK शिफ्ट हो गए, 3 फरवरी 2017। उसके बाद He returns to India on 1st July 2019 to join a British company in India. फिर से एक ब्रिटिश कंपनी को ज्वाइन करने के लिए इंडिया में वो फिर से आए। To determine his residential status for assessment year 2020-21. विशाल, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझा क्या बेटा आपको? ठीक है, एक काम करो विशाल, कल हम फिर से उसको रिपीट करेंगे, लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हुआ है तो आपको वो फिर से देखने को मिल ही जाएगा, मैं अपलोड करूंगा उसको। अगर नहीं समझता फिर भी तो कल हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें आप बताइए मुझे क्या स्टेप्स से मैं इसको सॉल्व करूँ, सबसे पहले क्या लिखना है? कौन बताएगा? असेसमेंट ईयर रिवीज, पहले क्या लिखना है, असेसमेंट ईयर। सर इसके बेसिक कंडीशन ही अप्लाई नहीं हो रही, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। असेसमेंट ईयर क्या है पहले तो ये देख लीजिए, असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2021। ओके, हम स्टेप्स के साथ जाएंगे, 20 और 21। ओके, प्रीवियस ईयर क्या है हमारा? 2019 20 एंड 20। ओके, 1920 वो जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर है, तो 2019-20 जो प्रीवियस ईयर है वो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को और खत्म होगा 31 मार्च 2020। अब 2019-20 में मिस्टर एक्स जो है वो इंडिया में कब आए? मतलब वो तो 17 का डेट है ना, वो तो इंडिया छोड़ के रिटायर होके गए थे तब का डेट है। 1920 में जो मिस्टर एक्स है वो इंडिया में कब आए, तो 1 जुलाई को इस साल में वो आए इंडिया में, 1
ऑफ जुलाई 2019 में. ओके, अब जुलाई से अभी तक वो इंडिया में ही है, तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31, फिर अगस्त में 31, फिर सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31. इन शॉर्ट आराम से 182 डेज का जो कंडीशन है. ओके, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताता हूँ. अच्छा, अगर हमारा मीटिंग बंद होता है तो फिर से ज्वाइन करना है. एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताता हूँ. अगर आपका जो भी पर्सन होगा वो इंडिया में सितंबर के बाद आता है, देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में 6 महीने हो जाते, तो सितंबर के बाद अगर कोई भी इंडिया में आता है तो 182 डेज उसके पूरे नहीं होंगे. सितंबर या सितंबर से पहले अगर इंडिया में आ जाते हो तो 182 डेज पूरे हो जाते हैं. कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसको 182 डेज वाला कंडीशन जो है वो अप्लाई हो जाएगा. ओके, तो ये शॉर्टकट मेथड है याद रखने के लिए. यहाँ पे वो जुलाई में आया है तो ऑटोमेटिकली उसके 182 डेज जो है वो पूरे हो जाएंगे. मीटिंग फिर से ज्वाइन करना है. आंसर आएगा रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी. करेक्ट है, करेक्ट है. हम लोग सॉल्व. सो यहाँ पे 182 डेज जो है वो पूरे हो रहे हैं. मतलब जो पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, 182 डेज और मोर. और सेकंड कंडीशन होता है 60 प्लस 365 वाला. तो ये कंडीशन तक तो पहुँचेंगे ही नहीं हम, पहला ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जा रहा है. तो पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब मिस्टर एक्स को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मिस्टर एक्स को हम कहेंगे रेसिडेंट. ओके, मिस्टर एक्स को क्या कहेंगे, रेसिडेंट कहेंगे. अब मिस्टर एक्स जो है वो रेसिडेंट तो बन चुके हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ये भी जानना जरूरी है. आगे का समझो है वो हमारा, हम ये पता करेंगे कि मिस्टर एक्स जो है वो रेसिडेंट है या नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. तो पहला रूल जो है, ओके, एडिशनल कंडीशन, दोनों एडिशनल कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो हम कहेंगे कि मिस्टर एक्स जो है वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. तो जो पहला रूल है, ओके, पहला रूल क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर के, ओके, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल, प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, 1920. ओके, मतलब जो ये 1920 है इसके पहले के 10 साल, पहले के 10 साल कौन से होंगे इसके, ये 1819 होगा और शुरुआत होगी 2008-09 में. ओके, मतलब ये जो 10 साल थे उसमें कोई भी 2 साल मिस्टर एक्स जो है वो रेसिडेंट होने चाहिए. ओके, अब यहाँ पे आप जरा सम ध्यान से पढ़िए, मिस्टर एक्स जो थे ना वो 2017 तक इंडिया में ही रहते थे. ओके, सर्विस करते थे, 25 साल उन्होंने इंडिया में सर्विस करी है. देखो ये ध्यान से, उन्होंने क्या किया है, 25 साल तक इंडिया में सर्विस किया है 2017 तक, मतलब 2017 के 25 साल पहले तक, मतलब 1992 से वो इंडिया में थे, 1992 से 2017 तक वो इंडिया में थे. मतलब ये कंडीशन जो है ना ये ऑटोमेटिकली रेसिडेंट है. करेक्ट, 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 ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, लेकिन स्टेप से जाएंगे बेटा. ओके, तो ये कंडीशन जो है ये ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगा कि पिछले जो 10 साल थे उसमें वो क्या थे, 2 सालों में रेसिडेंट थे, आराम से रेसिडेंट रहेंगे. तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. सेकंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर जो था आपका, मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर 1920 जो था उसके पहले के, मतलब 1819 से पहले के जो 7 साल थे, 1819 के पहले के 7 साल, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 14, 15,
थर्टीन फोर्टीन एक दो तीन चार पाँच ट्वेल्व थर्टीन इलेवन ट्वेल्व ऐसे जो सात साल थे इनमें उनका टोटल स्टे 730 दिन के ऊपर चाहिए। तो अगर यहाँ पे वो पूरे 365 डेज रुके हैं, यहाँ पे पूरे 365, यहाँ पे पूरे 365, 2017 तक तो वो इंडिया में थे, एक दो तीन चार पाँच साल तो ऐसे थे जिसमें वो पूरा के पूरा साल इंडिया में थे, तो आराम से ये जो सेकंड कंडीशन होगी ये भी सेटिस्फाई हुई होगी। ओके तो दोनों ही एडिशनल कंडीशंस, 730 डेज इन द प्रीवियस सेवन ईयर्स एंड रेसिडेंट इन टू ईयर्स आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, ये दोनों ही एडिशनल कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है। और दोनों ही एडिशनल कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो मिस्टर एक्स को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाएगा। ओके समझ में आया, ये सभी को समझ में आया, किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है? अच्छा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जा रहा है क्या आपको ये सम्स? नो सर। ओके अभी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का आपने स्क्रीनशॉट लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। ओके सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर में मुझे इसका आंसर बताना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो जितना सीधा दिखता है उतना सीधा नहीं है, उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो उसको अच्छे से ध्यान दे के सॉल्व करना।